नमस्कार दोस्तों, फैमिली लॉ के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ कॉन्क्यूबिनेज। हम लोग कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड स्टेट रेगुलेशंस ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीगैमी के बारे में देखा था, उसका दूसरा टॉपिक है कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन का मराठी में या फिर हिंदी में मतलब है रखेल। द वर्ड कॉन्क्यूबाइन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कॉन एंड क्यूबारे। इस चीज के ऊपर आपको एक एमसीक्यू निकल कर आ सकता है, कॉन्क्यूबाइन कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव किया है या फिर कॉन एंड क्यूबारे कौन से लैंग्वेज से है, उनका मतलब भी बताइए। सो कॉन मीन्स विथ एंड क्यूबारे मीन्स पड़े रहना। कॉन्क्यूबारे का मतलब है साथ में पड़े रहना। टुगेदर द वर्ड्स कॉन्क्यूबाइन मीन्स अ वुमन हु लिव्स विद अ मैन विदाउट बींग लॉफुली मैरिड टू हिम। कॉन्क्यूबाइनेज इज अ स्टेट ऑफ लिविंग टूगेदर एज अ वाइफ विदाउट बींग एक्चुअली मैरिड। इसका मतलब है एक ऐसी औरत जो एक शादीशुदा आदमी के साथ रहती है, अपना पत्नी धर्म निभाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई एक्चुअल वेडलॉक नहीं है। हम लोग इसे मराठी में या फिर हिंदी में कहते हैं रखेल या फिर रखेली। आप सभी को इस चीज से भली भांति जान पहचान है। आप सभी ने कहीं ना कहीं या फिर किसी ना किसी टॉपिक के अंदर इस चीज के बारे में सुना होगा। सबसे आसान एग्जाम्पल हमारे मराठी ऑडियंस के लिए है रात्रि से खेळ चाले पिक्चर मध्ये जी शेवंताची अवस्था आहे, किंवा अण्णा नाईक आणि शेवंताचं जे रिलेशन है त्याला आपण म्हणतो रखेल या फिर कॉन्क्यूबाइन। इन इट अ मैन लिव्स विथ अनदर वुमन ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज। इट कैन बी सेड एज एन एक्स्ट्रा मैरिटल लिव इन रिलेशनशिप ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज। कॉन्क्यूबाइन इज ऑल्सो नोन एज रखेल। आप इन सारी चीजों को अच्छे से लिखना, और कॉन्क्यूबाइन ये बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है, इसीलिए आप मेरे जो नोट्स हैं उनका स्क्रीनशॉट निकालना और आप इसे अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इन योर पेपर टू गेट फुल मार्क्स। इसके बाद में हमें देखना है पोजिशन ऑफ अ कॉन्क्यूबाइन इन लॉ। यहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि कॉन्क्यूबाइन का पोजीशन रिकॉग्नाइज नहीं है, तो ऐसे एमसीक्यूज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पोजीशन ऑफ अ कॉन्क्यूबाइन इज रिकॉग्नाइज बाय द लॉ, हाउएवर द स्टेटस ऑफ कॉन्क्यूबाइन इज लेस देन अ लॉफुली वेडेड वाइफ। इसका मतलब है कॉन्क्यूबाइन को लॉ रिकॉग्नाइज तो करता है, लेकिन एक्चुअल जो लॉफुली वेडेड वेडलॉक है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। The concubine cannot join her hands with husband in religious ceremonies when the lawfully wedded wife is present. She cannot claim maintenance till her male partner is alive. Only after his death, concubine can claim maintenance. ये जो केस लॉ है वो लैंडमार्क केस लॉ है, यशवंतराव वर्सेस काशीबाई 1887। बेसिकली इसने जो concubine है उसका लीगल पोजिशन तो एस्टेब्लिश किया। पहले के जमाने में क्या होता था, जो लोग होते थे वो मतलब जो अमीर लोग होते थे वो इस्तेमाल करते थे औरतों को और फेंक देते थे, रखेल बन के बना के रखते थे और बाद में फेंक देते थे। आप सभी ने यशवंतराव वर्सेस काशीबाई इस केस लॉ को जरूर लिखना है। इट इज अ लैंडमार्क केस लॉ बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द पोजीशन ऑफ कॉन्क्यूबाइन इन लॉ। चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ कॉन्क्यूबाइनेज आर इललेजिटिमेट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इनहेरिटेंस फॉर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। However, the property which is earned by the father with his own money, they are eligible for their share in the property. The children are eligible for maintenance till the age of 18. एक चीज में ध्यान रखना, concubine के या फिर रखेल के जो बच्चे हैं वो illegitimate माने जाते हैं। मराठी में उन्हें अनौरस बच्चे कहते हैं। वो लोग जो है वो ancestral property यानी हमारी पुश्तैनी संपत्ति, पीढ़ीजात संपत्ति, त्याच्यात त्यांना हिस्सा नहीं मिळत। उनको अपनी पुश्तैनी जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन कॉन्क्यूबाइन का जो बाप है या फिर कॉन्क्यूबाइन का जो मेल पार्टनर है, उन बच्चों का जो बाप है, उसने अपने ओन पैसों से जो खरीदा है उसके अंदर उनको जरूर हिस्सा मिलेगा, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर उनको हिस्सा नहीं है। द प्रॉपर्टी विच इज अर्न बाय द फादर विथ हिज ओन मनी, दे आर एलिजिबल फॉर देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, 18 साल की उम्र तक अपने आप को मेंटेन करने के लिए दे आर एलिजिबल फॉर द मेंटेनेंस टिल द एज ऑफ 18। तो ये थी पोजीशन ऑफ कॉन्क्यूबाइन इन लॉ, पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ कॉन्क्यूबाइन इन लॉ। आपको इन दो हेडर के साथ ये कॉन्क्यूबाइन का आंसर अटेम्प्ट करना है। एंड सिंस योर एग्जाम इज ऑनलाइन दिस वे, आपको
पूरा पेज अटेम्प्ट करना होगा. So that's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share, and subscribe to my channel.